हेलो गाइस, वेलकम टू केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए, मेरे पास ये अहमदाबाद से पार्सल आया, अहमदाबाद गुजरात से। हेलो, इसमें पावर बंद करेंगे और फिर चालू करेंगे तो ये इसमें हेलो पी आके अटक जा रहा है। अब मॉडल नंबर देख लीजिए, इसमें थ्री फिफ्टी है। क्लियर दिख नहीं रहा क्योंकि लाइट कम दिख रहा है। हाँ, अभी देखिए डी ए वी डी जेड 350। तो ये कुरियर मेरे पास आया है गुजरात से। आप इनका नंबर है, नाम और नंबर है इनका। तो इसमें कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है मैं आज आपको वीडियो बताता हूँ। अब देखिए, कुछ भी बटन काम नहीं करेगा इसमें, कुछ भी बटन काम नहीं करेगा, बस हेलो पे अटका रहेगा। तो मैं ओपन करता हूँ और देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, आप देखते रहिए। तो गाइस, आप देख लीजिए बोर्ड भी एकदम कंडीशन में बोर्ड एकदम कंडीशन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेजिस्टेंस भी एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। जहाँ तक है रैम आईसी का ही प्रॉब्लम होगा, रैम आईसी डाल के देखना पड़ेगा इसके अंदर। बोर्ड कंडीशन में है, पीस भी बहुत कंडीशन में रखा है इन्होंने। अब देखिए, मैं अभी आपको रैम आईसी निकाल के दिखाता हूँ इसमें और लगा के भी दिखा देता हूँ। देखिए एकदम कंप्लीट हो गया। मैं आपको रैम आईसी भी निकाल के और लगा के भी दिखा देता हूँ। ये रैम आईसी रजिस्टर देखो एकदम क्लियर है इसका। तो कैसा रिपेयरिंग करना है और आईसी डालना है वो भी मैं आज आपको बताता हूँ। अब देखिए गाइस, देखिए आईसी निकाल दिया मैंने और इसकी आईसी ये है, ये आईसी इसकी है और इसको मैंने केमिकल डाला है। पूरा केमिकल डाल दिया ताकि वो जो इसमें सोल्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे है उसको अच्छे से डिसोल्ड बीक से साफ कर दूं ताकि अपने को आईसी बिठाने में प्रॉब्लम नहीं हो। और जो मेरे पास रैम आईसी है ये मेरे को आईसी बिठाना है इसके अंदर। देखिए मैंने कितनी सफाई से निकाला है और यही ज़्यादा मायने रखता है इसमें कि ट्रैक जो है उखड़े नहीं। देख रहे, एक भी ट्रैक उखड़ा नहीं। तो यही डालते टाइम और निकालते टाइम यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आईसी जो है, ट्रैक जो है उखड़ना नहीं चाहिए, एक भी ट्रैक उखड़ना नहीं चाहिए। आप देखते रहिए, मैं आईसी आपको लगा के भी दिखाता हूँ और पूरा एकदम कंप्लीट करके दिखाता हूँ। आपको ये आईसी जो है एकदम अच्छे से डालना है। जहाँ तक है डालते टाइम ब्लोअर का इस्तेमाल नहीं करना है। डालते टाइम अगर आप ब्लोअर का इस्तेमाल करेंगे तो आईसी हीट हो जाएगी ज़्यादा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखिए एकदम कम्प्लीटली मैंने इसमें लगा दिया है।
ठीक है, तो चलो पावर लगाते हैं और देखते हैं चालू होता है कि नहीं। ऑन किए, देखिए ये कंप्लीट एकदम चालू हो गया है पूरा फंक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, पूरा कंप्लीट चेंज हो रहा है। और इधर ये है रैम आईसी और इसकी पुरानी आईसी इधर है। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे। पुराने आईसी मैंने डाल दिए। एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर।